कृपया हमें संबोधित करें सबसे पहले मैं पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है लोगों का खून खोल रहा है ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं वो भी स्वाभाविक है हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं इस हमले के पी जो भी गुनेगार हैं उन्हें उनके किए की, की सजा अवश्य मिलेगी जो हमारी आलोचना कर रहे हैं उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूं उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूं और आलोच करना करने का उनका पूरा अधिकार भी है लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि ये वक्त बहुत ही संवेदनशील और पल है पक्ष में या विपक्ष में हम सब राजनीतिक छींटा कसी से दूर रहें इस हमले का देश एकजुट होकर के मुकाबला कर रहा है देश एक साथ है देश का एक ही स्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है जिस तरह की साजिश से रच रहा है उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे, वो कभी ये नहीं कर पाएगा और न कभी ये होने वाला है इस समय बड़ी आर्थिक बहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी देश को यह भी लगता है वह ऐसी तबाही मचाकर भारत को बदहाल कर सकता है उसके ये मंसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं है वक्त ने सिद्ध कर दिया है कि जिस रास्ते पर वो चले हैं वो तबाही देखते चले हैं और हमने जो रास्ता अखत्यार किया है वो तरक्की करता चला जा रहा है 130 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश ऐसे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा कई बड़ों देशों ने बहुत ही सख्त शब्दों में इस आतंकी हमले की निंदा की है और भारत के साथ खड़े होने की भारत को समर्थन की भावना जताई है मैं उन सभी देशों का आभारी हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ सभी मानवतावादी शक्तियों को एक होकर के लड़ना ही होगा मानवतावादी शक्तियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा आतंक से लड़ने के लिए जब सभी देश एक मत एक स्वर एक दिशा से चलेंगे तो आतंकवाद कुछ पल से ज्यादा नहीं टिक सकता है साथियों पुलवामा हमले के बाद अभी मनस्थिति और माहौल दुख के साथ आक्रोश से भरा हुआ है ऐसे हमलों का देश डटकट मुकाबला करेगा या देश रुकने वाला नहीं है हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राण की आहुति दी है और देश के लिए मर मिटने वाला हर शहीद दो सपनों के लिए जिंदगी लगाता है पहला देश की सुरक्षा दूसरा देश की समृद्धि मैं सभी वीर शहीदों को उनकी आत्मा को नमन करते हुए उनके आशीर्वाद लेते हुए मैं फिर एक बार विश्वास जताता हूं कि जिन सब दो सपनों को लेकर के उन्होंने जीवन को आहूत किया है उन सपनों को पूरा करने के लिए हम जीवन का पल पल खपा देंगे समृद्धि के रास्ते को भी हम और अधिक गति दे करके विकास के रास्ते को और अधिक ताकत दे करके हमारे इन वीर शहीदों की आत्मा को नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे और उसी सिलसिले में मैं वंदे भारत एक्सप्रेस के कॉन्सेप्ट और डिजाइन से लेकर इसको जमीन पर उतारने वाले हर इंजीनियर हर कामगार का आभार व्यक्त करता हूं चेन्नई में बनी ये ट्रेन दिल्ली से कांसी के बीच पहला सफर करने वाली है यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची ताकत है वंदे भारत एक्सप्रेस की ताकत है साथियों बीते साढ़े चार वर्षों में हमने भारतीय रेल की स्थिति को बहुत ईमानदारी के साथ बहुत परिश्रम के साथ बदलने का प्रयास किया है वंदे भारत एक्सप्रेस उन कार्यों की ही एक झलक है बीते वर्षों में रेलवे उन सेक्टर्स में रहा है जिसने मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रगति की है साथ ही देश में रेल कोच फैक्ट्रियों का आधुनिकरण डीजल इंजिनों का इलेक्ट्रिक में बदलने का काम और इसके लिए नए कारखाने भी शुरू किए गए हैं आपको याद होगा पहले रेलवे टिकट में ऑनलाइन रिजर्वेशन की क्या हालत थी उस समय एक मिनट में 2000 से ज्यादा टिकट बुक नहीं हो सकते थे अब आज मुझे बहुत संतोष है कि रेलवे की वेबसाइट बहुत यूजर फ्रेंडली हुई है और एक मिनट में बीस हजार से ज्यादा टिकट बुक हो सकते हैं पहले हालत ये थे कि एक रेलवे प्रोजेक्ट को स्वीकृत मिलने में कम से कम दो साल लग जाते थे अब देश में एक रेलवे प्रोजेक्ट तीन या चार या ज्यादा से ज्यादा छह महीने में स्वीकृत हो जाते हैं ऐसे ही प्रयासों से रेलवे के कार्यों में नई गति आई है पूरे देश में की लाइनों से अनमेड क्रॉसिंग को एक बड़ा अभियान चलाकर खत्म कर दिया गया है अब जब हम सरकार में आए थे तो देश में 8,300 से ज्यादा मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग थी इस वजह से आए दिन हाथ से होते रहते थे अब ब्रॉडगेज लाइनों पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म होने से हाथ से भी कम हुए हैं देश में रेलवे पटरियों को बिछाने का काम हो या फिर बिजलीकरण का काम पहले से दोगुनी रफ्तार से हो रहा है देश के सबसे व्यस्त रूटों को प्राथमिकता देकर उन्हें पारंपरिक ट्रेनों से मुक्त किया जा रहा है बिजली से चलने वाली ट्रेनों में हम देख रहे हैं कि प्रदूषण भी कम होगा डीजल का खर्च भी बचेगा और ट्रेनों की गति भी बढ़ जाएगी जाहिर है रेलवे को आधुनिक बनाने के इन प्रयासों रोजगार के नए अवसर भी बने हैं मुझे बताया गया है कि 2014 से लेकर अब तक करीब करीब डेढ़ लाख कर्मचारियों की नियुक्ति रेलवे में हुई है अभी जो भर्ती अभियान चल रहा है उसके बाद ये संख्या सवा दो लाख तक पहुंचने की उम्मीद है साथियों मैं ये दावा नहीं करता कि इतने कम समय में हम लोगों ने सब कोशिश करने के बावजूद भी भारतीय रेल में हमने सब कुछ बदल दिया है ऐसा दावा ना हम कभी करते हैं अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि भारतीय रेल को आधुनिक रेल सेवा बनाने की दिशा में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस विकास की यात्रा को और गति देंगे और ताकत देंगे जल हो थल हो नभ हो हिंदुस्तान का पूर्व हो पश्चिम हो उत्तर हो दक्षिण हो सबका साथ सबका विकास इसी मंत्र को लेकर के विकास की इस राह को आगे बढ़ाएंगे विकास के माध्यम से भी देश के लिए मरण मटने वालों को हम नमन करते रहेंगे और सुरक्षा के क्षेत्र में भी पूरी ताकत से गुनागारों को सजा देकर के देश की रक्षा के लिए जीवन न्योछावर करने वालों का जो भी रक्त है उस एक एक रक्त के बूंद की कीमत लेके रहेंगे इसी विश्वास के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं इन शहीदों के नाम मेरे साथ बोलिए वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम धन्यवाद और आभार माननीय प्रधानमंत्री जी देश को अत्यंत गरिमामय नेतृत्व प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री